हे फ्रेंड्स, जय हिंद। वेलकम बैक टू माय चैनल बेबोस टॉक्स। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक बात बताने वाली हूँ। फ्रेंड्स, लॉकडाउन के बाद होम रूल चलता रहने वाला है। लॉकडाउन अभी जल्दी से ख़त्म होने वाला नहीं है, और लॉकडाउन में अब हमारे ब्यूटी पार्लर्स भी खुलने को बिल्कुल तैयार हैं। और अब जो ब्यूटी पार्लर्स हमारे खुलेंगे, वो एक नई तैयारी के साथ खुलेंगे। ब्यूटी पार्लर्स हमसे एक्स्ट्रा चार्ज लेंगे। वो क्यों? क्योंकि वो हमें कुछ फैसिलिटीज़ देंगे हमारे सेफ्टी पर्पस के लिए और अपनी सेफ्टी पर्पस के लिए। तो फ्रेंड्स, जब आप लॉकडाउन के बाद जब आप ब्यूटी पार्लर में जाएंगे, तो वो हमें पीपीई किट देंगे, डिस्पोजेबल पीपीई किट देंगे, डिस्पोजेबल कैप देंगे, डिस्पोजेबल शू देंगे, और ग्लव्स देंगे, मास्क देंगे। तो फ्रेंड्स, वो इन सब का चार्जेस हम ही से वसूलेंगे, और जब वो हमसे वसूलेंगे, तो हमारे जो भी हम ब्यूटी सर्विस लेंगे, और उसका चार्ज फ्रेंड्स डबल होने वाला है, और इसकी महंगाई की मार हम पर ही पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, मैं तो आपको यही सलाह दूंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा आप नेचुरल रहें, पानी पीते रहें, हरी सब्जी खाएं, फ्रूट्स खाएं, घर में रहें, धूप में ना जाएं, ताकि आपकी स्किन को पार्लर की ज़रूरत ना पड़े। तो फ्रेंड्स, इसीलिए मैं आपके लिए आज एक फेशियल लेकर आई हूँ, जो कि बिल्कुल हर्बल है और घर की चीज़ों से ही बना हुआ है। तो मैं चाहूँगी फ्रेंड्स, आप ये फेशियल को अपने घर पर ट्राई करें, और इसका रिज़ल्ट जैसा भी आए, आप मुझे ज़रूर बताएं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमारा फेशियल है। फ्रेंड्स, फेशियल में सबसे पहले हमें ज़रूरत है एक क्लिनजिंग बनाने की। क्लिनजिंग के लिए हम एक बाउल लेंगे। उस बाउल में हम रोज़ वाटर लेंगे, बराबर बराबर क्वांटिटी में। जो भी हम लेंगे, वो बराबर बराबर क्वांटिटी में होगा। क्लिनजिंग फ्रेंड्स, इससे हमें क्लिनजिंग करनी है अपने फेस के लिए। तो ये हमने रोज़ वाटर ले लिया था, और अब हम हनी लेंगे। ये भी बराबर क्वांटिटी में ही होगा, जितना हमने रोज़ वाटर लिया है। आप बराबर क्वांटिटी में उतना ही लें जितना कि आपको यूज़ करना है, क्योंकि ये सब चीज़ें फ्रेश ही अच्छी होती हैं। फ्रेंड्स, अब हम इसमें लेमन का जूस डालेंगे। ये भी इतना ही जितना कि हमने बाकी की चीज़ें ली हैं। फ्रेंड्स, इससे हम क्लिनजिंग करेंगे अपने फेस पे। तो फ्रेंड्स, अब मैं इस क्लिनजर को अपने फेस पे अप्लाई कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने क्लिनजर अपने फेस पे अप्लाई कर लिया है। इसके बाद बारी आती है स्क्रबिंग की। तो फ्रेंड्स, स्क्रबिंग के लिए हमें चाहिए बेसन, टमाटर का रस या टमाटर का जूस, और अगर आपका ये मिक्सचर थोड़ा सूखा सूखा है, तो आप इसमें टर्मरिक भी डालनी है। फ्रेंड्स, इसमें अगर आपका ये मिक्सचर सूखा सूखा है, तो आप इसमें रोज़ वाटर ऐड करके अपने फेस पे अप्लाई करने जैसी कंसिस्टेंसी इसकी आप बना लें अपने अकॉर्डिंग, इसमें रोज़ वाटर ऐड करके। फ्रेंड्स, के बाद इसको अच्छे से मिलाएं। इसके बाद इसे अपने फेस पे अप्लाई करें। इसे अपने फेस पर अप्लाई करके 2-3 मिनट इसे लेप की तरह लगाकर, और इसे 2-3 मिनट छोड़ देने के बाद, इसे हल्के हाथों से स्क्रबिंग करते हुए अपने फेस से हटा दें, और किसी या तो टैप वाटर से धो लें, या फिर आप चाहे तो किसी किसी टिश्यू वगैरह से भी पोंछ सकते हैं। तो मैं इसे लगा लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने स्क्रबिंग कर ली है, और अपने फेस को क्लीन कर लिया है। इसके बाद फ्रेंड्स, बारी आती है हमारे थर्ड स्टेप की। बाद हमें एलोवेरा जेल से मसाज करनी है। फ्रेंड्स, ये एलोवेरा जेल एलोवेरा प्लांट से लिया गया है। आप चाहें तो पतंजलि एलोवेरा जेल, या फिर आपके पास जो भी एलोवेरा जेल है, आप उसका यूज़ कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो मैं इस एलोवेरा जेल को अपने फेस पर ट्राई कर लेती हूँ। फ्रेंड्स, मैंने एलोवेरा जेल अपने फेस पर लगा लिया है। फ्रेंड्स, अब एलोवेरा जेल लगाने के बाद फोर्थ स्टेप आता है,
पैक का। पैक के लिए हमें चाहिए 1 चम्मच बेसन, 1 चुटकी हल्दी और ये है हमारा हनी। इसके साथ ही हम कच्चा दूध लेंगे। कच्चा दूध जैसे कि कच्चा दूध हमारे वैसे भी क्लिंजर का काम करता है। हम कच्चा दूध आप जब भी कच्चा दूध लेकर आते हैं तो उसे आप कॉटन से अपने फेस पे लगा सकते हैं, वो भी आपके फेस को बिल्कुल क्लीन कर देता है। फ्रेंड्स अब हम इसे अच्छे से मिला लेंगे, बेसन के लम्स को दूर कर लेंगे ताकि फेस पैक जो है बिल्कुल स्मूथली हमारे फेस पर लग जाए। फ्रेंड्स हल्दी एंटीसेप्टिक का काम करता है। ये फ्रेंड्स मैं ऐसे भी अप्लाई कर लेती हूँ। इसे अप्लाई करने के बाद मैंने धो लिया है। उसके बाद हम एलोवेरा जेल से मसाज करेंगे। एलोवेरा जेल से हमारे मसाज करने से हमारी हो जाएगी, ग्लोइंग हो जाएगी और काफ़ी शाइनी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स आप मुझे बताना अप्लाई करके कि आपके आपके साथ इसके रिजल्ट्स कैसे आए। कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।